टुडे वी विल स्टडी अबाउट कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी, व्हाट इज मेमोरी, इम्पोर्टेंट और नीडेड फॉर ए कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी वर्सेज सेकेंडरी मेमोरी, मेमोरी यूनिट्स एंड रेफरेंसेस। नाउ वी विल सी अबाउट इन डिटेल व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है? कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन टेम्पररली। कंप्यूटर मेमोरी होता है कोई भी फिजिकल डिवाइसेस, ठीक है, जो कि क्या कर सकता है, किस चीज के लिए कैपेबल है, डेटा को स्टोर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए टेम्पररली। टेम्पररली मीन्स कि कुछ समय के लिए, ठीक है। लाइक रैम एंड रोम, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। मेमोरी डिवाइसेस यूटिलाइज इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड आर यूज फॉर बाय ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। तो मेमोरी डिवाइसेस किसके थ्रू यूटिलाइज किए जाते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट्स के थ्रू, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स मीन्स की जो कंप्यूटर में इनबिल्ट लगे रहते हैं पहले से ही एंड आर यूज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और किसके थ्रू यूटिलाइज किए जाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू एंड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के थ्रू इसका यूटिलाइजेशन होता है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे कि व्हाई इज मेमोरी इम्पोर्टेंट और नीडेड फॉर ए कंप्यूटर। क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मेमोरी, और क्या इसकी जरूरत है कंप्यूटर में, क्या इसकी आवश्यकता है? तो ईच डिवाइसेस इन ए कंप्यूटर ऑपरेट्स एट डिफरेंट स्पीड्स एंड कंप्यूटर मेमोरी गिव्स योर कंप्यूटर ए प्लेस टू क्विकली एक्सेस डेटा, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि ईच डिवाइसेस इन ए कंप्यूटर ऑपरेट्स एट डिफरेंट स्पीड्स। कंप्यूटर में बहुत सारे डिवाइसेस लगे रहते हैं, सबकी अपनी स्पीड अलग अलग है, ठीक है। एंड कंप्यूटर मेमोरी गिव्स योर कंप्यूटर टू ए प्लेस टू क्विकली एक्सेस डेटा। कंप्यूटर की मेमोरी में अगर हम लोग डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है, तो हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स उसे आसानी से हम लोग उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ला सकते हैं। प्लेस टू क्विकली एक्सेस डेटा, डेटा मीन्स क्या? डेटा होता है जैसे हमारा ऑडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया, वीडियो हो गया, इमेज हो गया, कुछ भी, ये सब पिक्चर्स हो गए, दीज आर डेटा, ठीक है। तो हम लोग उसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। नाउ इफ द सीपीयू हैड टू वेट फॉर ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क ड्राइव एंड कंप्यूटर वुड बी मच स्लोअर। अगर क्या करते हैं, सीपीयू अगर हार्ड डिस्क से डायरेक्टली डेटा को लाएगा, मीन्स सेकेंडरी मेमोरी से, ठीक है, सीपीयू हैड टू वेट फॉर ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक ए हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव मीन्स की शॉर्ट में हार्ड डिस्क ड्राइव को क्या बोलते हैं, HDD, जो हार्ड डिस्क होता है ना, सेकेंडरी मेमोरी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो वही होता है कि सीपीयू अगर क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस से अगर डेटा को लाता है डायरेक्टली, ठीक है, तो क्या, जैसे कि हार्ड डिस्क से, तो कंप्यूटर वुड बी मच स्लोअर, तो क्या हो जाएगा, वो बहुत स्लोअर हो जाएगा, बहुत ही स्लो प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। नाउ तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या है कंप्यूटर मेमोरी में। जैसे हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया प्राइमरी मेमोरी, एंड मेमोरी इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी के क्या क्या पार्ट्स है, रैम एंड रोम। डायग्राम में दिख रहा है वो आप लोगों को, प्राइमरी मेमोरी की कौन कौन से पार्ट है, रैम इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या है, रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी में क्या है, HDD, HDD मीन्स की कंप्यूटर हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड मैग्नेट टेप। तो ये सब सेकेंडरी मेमोरी के डिवाइसेस हुए, एग्जांपल्स हुए, ठीक है। और रैम एंड रोम किसके एग्जांपल हुआ, प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल हुआ। कॉम्पैक्ट डिस्क मीन्स सीडी हो गया, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव मैंने बताया था पहले भी। तो ये सब क्या हुए, हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल्स है। नाउ रैम इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। अब रैम जो है हमारा, वो भी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट क्या है, रैम, ठीक है। रैम भी हमारे दो भाग किया गया है, क्या हुआ, फर्स्ट जो एस रैम एंड डी रैम, एंड रोम के भी दो पार्ट है, क्या क्या है, पी रोम एंड ई रोम, ठीक है। तो अब इसे हम लोग और डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। अब प्राइमरी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी डिस्कशन करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी, जैसे मेमोरी में आप मोबाइल यूज करते हो, ठीक है, तो मोबाइल में जब जो भी आप किसी का फोन नंबर सेव करते हो तो क्या करते हो, वहां वो मोबाइल की मेमोरी में जाके चिप लगा रहता है ना उस, तो इंटरनली, तो वो जो भी आप नेम सेव करते हो मोबाइल की मेमोरी में जाके सेव हो गया।
आप जब भी किसी के नाम को सर्च करना चाहोगे, उस नाम को सर्च करके अपना कोई भी काम, अपने वर्क को परफॉर्म कर सकते हो। जैसे किसी को व्हाट्सएप मैसेज भेजना है या किसी को फेसबुक पे, मतलब कुछ भी आप जो भी काम करते हो, तो आपका आपके पास उसके मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट नंबर है, तब ना यूज कर पाते हो। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है आपका कि आप उसी तरह जैसे हम लोग मोबाइल में किसी के नेम को सेव करते हैं, उसी तरह कंप्यूटर में भी हम लोग कंप्यूटर के मेमोरी में भी डेटा को सेव कर सकते हैं। जैसे इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, ऑडियो वीडियो कुछ भी, जैसे आप मोबाइल में स्टोर करते हो, तो ये कंप्यूटर का मेमोरी है, वो मोबाइल की मेमोरी है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइमरी मेमोरी होता क्या है डिटेल में। दिस इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। अगर मेन मेमोरी ही नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे? ठीक है, दिस इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू कैन डायरेक्टली रीड और राइट ऑन दिस मेमोरी। सीपीयू क्या करता है? डायरेक्टली रीड कर सकता है एंड राइट कर सकता है। कुछ भी हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं, वो क्या कर सकता है? सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मीन्स ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या कर सकता है? डायरेक्टली रीड कर सकता है और राइट कर सकता है मेन मेमोरी में, मीन्स प्राइमरी मेमोरी में। इट इज फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। ये किसमें फिक्स किया जाता है? मदरबोर्ड में। किसके? कंप्यूटर के। जो मैंने ऑलरेडी दिखाया था पिछले वीडियो, अगर आपने पिछला वीडियो मेरा पढ़ा होगा तो उसमें मैंने मदरबोर्ड के डायग्राम के साथ दिखाया था कि कैसे स्लॉट्स होते हैं रैम के, उसमें आपको रैम लगाया जाता है। रैम मीन्स क्या होता है? रैम में ही डेटा स्टोर होता है हमारा। ठीक है, रैम में क्या होता है? जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो हमारा मदर कहाँ लगा रहता है? मदरबोर्ड में। और मदरबोर्ड में ही जाके वो मीन्स की रैम में हमारा डेटा स्टोर होता है। इट इज फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। नाउ प्राइमरी मेमोरी इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। इस कितने फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड है? टू पार्ट्स में। मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी, रैम एंड रोम। रैम फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम फॉर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। रैम एंड रोम आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। नाउ वी विल सी रैम इन डिटेल। रैम होता क्या है? रैम इज अ टेम्पररी मेमोरी। ये क्या होता है? हमारा टेम्पररी मेमोरी है। टेम्पररी मीन्स की कुछ समय के लिए जिसे हम यूज करते हैं। ठीक है, ये परमानेंट मेमोरी नहीं है। RAM is a temporary memory. This the information stored in this memory is lost as the power supply to the computer is turned off. Means RAM, जैसे आप कोई भी चीज कंप्यूटर पर फर्स्ट काम करते हो, ठीक है, जैसे आपने काम किया उस पर कोई भी चीज टाइप किया, अगर जैसे आपका लाइट चला जाता है, अगर आपने उसे सेव नहीं किया है, ठीक है, तो आपका वो डेटा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, पावर सप्लाई जब तक है तब तक ठीक है, अगर पावर सप्लाई अचानक से आपका चला गया तो आपका डेटा भी चला गया अगर उसे आपने सेव नहीं किया है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। रैम इज अ टेम्पररी मेमोरी। द इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन दिस मेमोरी इज लॉस्ट एज द पावर सप्लाई टू द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। जैसे आप टर्न ऑफ कर दोगे, आपका क्या होगा? पावर सप्लाई टर्न ऑफ अगर हो गया तो आपका डेटा भी चला गया, लॉस हो गया। ठीक है, ये इसकी डिमेरिट पॉइंट है। दैट्स व्हाई, इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। किसको? रैम को। ठीक है, नाउ इट स्टोर्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर। यूजर मींस क्या? हम लोग जैसे वी आर यूजर्स, जो कंप्यूटर यूज करने वाला है उसको क्या बोलते हैं? यूजर्स बोलते हैं। तो इट स्टोर्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। डेटा मींस क्या? कुछ भी, किसी भी तरह का डेटा हो सकता है, नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, न्यूमेरिक डेटा, किसी भी तरह का डेटा हो सकता है, इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि कंप्यूटर तो हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर तो वही वर्क करेगा, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे कंप्यूटर को, जो भी डेटा उसमें रहेगा उसको क्या करेगा? ये गिवन बाय द यूजर एंड ऑल्सो रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर टेम्पररली। ये क्या करता है हमारा? इट स्टोर्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर एंड ऑल्सो द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर टेम्पररली। ये क्या करता है? टेम्पररी डेटा को हमारा क्या करता है? स्टोर करता है, एंड जो भी यूजर उसे इंस्ट्रक्शन दिया उसको फॉलो अप करता है, एंड डेटा को हमारे कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करे रखता है। ठीक है, ये काम किसका है? हमारे रैम का है। क्लियर? नाउ अब हम लोग देखने की समझने की कोशिश करेंगे कि रोम, रैम तो हम लोगों ने समझा, रोम क्या है? रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। अब रोम को समझने की कोशिश करेंगे। इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम इज परमानेंट इन नेचर। रोम में क्या होता है? ये प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन हमारा क्या होता है इसमें? इन्फॉर्मेशन हमारा परमानेंट इन नेचर, हमेशा परमानेंटली इसमें डेटा हमारा स्टोर रहता है रोम में। ठीक है, दैट इज इट इज होल्ड्स द डेटा इवन इफ द डेटा इफ द सिस्टम इज स्विच ऑफ। ठीक है, जब तक हमारा क्या होता है कि स्विच ऑफ हमारे से इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रोम इज परमानेंट इन नेचर। जो भी इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करते हैं परमानेंट इन नेचर है। दैट इज इट इज होल्ड्स द डेटा इवन इफ द सिस्टम इज स्विच ऑफ। जब हमारा क्या होता है? सिस्टम स्विच ऑफ हो जाता है तो ये अपने पास क्या किए रहता है? डेटा को स्टोर किए रहता है। ठीक है, इट होल्ड्स द स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर।
इसे हमने पढ़ा था रैम में कि इंस्ट्रक्शंस को टेम्पररी मेमोरी है, वो क्या करता है कि डेटा को स्टोर तभी तक करता है जब तक हमें आवश्यकता है, हमें आवश्यकता नहीं है डेटा हमारा क्या हो जाएगा वो, फिर वहाँ हमारा वो तो रैम तो वोलेटाइल मेमोरी है, जब तक काम किए ठीक है, जब आवश्यकता नहीं है उस चीज की तो क्या हो जाएगा हमारा हट जाएगा, ठीक है, इसलिए वो क्या कहलाता है टेम्पररी वोलेटाइल मेमोरी। ये क्या करता है हमारे डेटा को स्टोर करके रखता है, ठीक है, इट होल्ड द डेटा इवन इफ द सिस्टम इज स्विच ऑफ, जब तक स्विच ऑफ नहीं करते हैं तब तक क्या करता है डेटा को स्टोर करके ये रखता है। इट होल्ड द स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर, ये क्या करता है स्टार्टिंग जो हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं ठीक है वो इसको स्टोर करके रखता है। रॉम कैन नॉट बी ओवर रिटेन बाय द कंप्यूटर, ओवर रिटेन मीन्स इसपे हम दोबारा कुछ रीराइट नहीं कर सकते हैं, रीराइट मीन्स की दोबारा इस पर कुछ लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, रॉम में क्या कर सकते हैं जो इंस्ट्रक्शन पहले से डाला गया है वही इसमें फिक्स है, उसमें दोबारा हम चाहेंगे रीराइट कर ले तो पॉसिबल नहीं है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि रॉम कैन नॉट बी ओवर रिटेन मीन्स उसको ओवर राइट नहीं कर सकते हम बाय द कंप्यूटर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो ये क्या हो गया नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रैम क्या था हमारा वोलेटाइल मेमोरी था, जब तक जब टेम्पररी स्टोर है डेटा हमारा स्टोर उसको उसे क्या कि लाइट गया आपका डेटा गया, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि लाइट गया तो डेटा गया, डेटा इसमें स्टोर है टेम्पररली, लेकिन जब कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हम क्या करते हैं रोम का हमें आवश्यकता पड़ती है और ये हमारा इंस्ट्रक्शन को अपने पास होल्ड किया रहता है, ठीक है, तो लेकिन जब हमारा काम खत्म हो गया तो इसका भी काम खत्म हो गया, तो यही हमारा ये क्या करता है रोम करता है, रोम कैन नॉट बी इसमें ओवर राइट नहीं कर सकते हैं एंड इट इज ऑल्सो नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो ये क्या हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, बट पार्ट किस चीज का है प्राइमरी मेमोरी का ही, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी तो हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक हो गया रैम एंड रोम, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया वोलेटाइल मेमोरी एंड रोम क्या हो गया हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी, बट है ये प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट। कंप्यूटर को स्टार्ट करने में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस स्टोर रहते हैं होल्ड किया रहता है ये, कंप्यूटर हमारा स्टार्ट हो गया ठीक है, हमारा जो जब तक काम वर्क करेंगे तो मीन्स हमारा ये रोम वहां पे रोल अपना करता है। नाउ वी विल सी अबाउट सेकेंडरी मेमोरी, अब सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी होता क्या है। द मेमोरी इज परमानेंट इन नेचर, ये क्या होता है हमारा कि दिस मेमोरी इज परमानेंट इन नेचर, ये परमानेंट होता है हमारा ठीक है, बट वो हमारा जो था प्राइमरी मेमोरी परमानेंट नहीं होता है, कुछ देर के लिए होल्ड किया था इन्फॉर्मेशन को रॉम ने बट हमेशा के लिए होल्ड करके वो नहीं रखे रहता है, जब तक काम हुआ स्टार्टर टर्न ऑन है कंप्यूटर ठीक है वर्क किया टर्न ऑफ हुआ वो हमारा होल्ड करके नहीं रख सकता रोम। नाउ इसमें क्या हमारा सेकेंडरी मेमोरी में कि परमानेंट मेमोरी है इन नेचर है, इट इज यूज टू स्टोर द डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड द इन्फॉर्मेशन परमानेंटली, ये क्या करता है डिफरेंट प्रोग्राम्स को एंड इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करके रखता है, विच इज वेयर टेम्पररली स्टोर्ड इन रैम, जो कि टेम्पररली हमने स्टोर किया था अब उस फाइल को जब क्या किया हम सेव कर दे तो कहाँ के स्टोर हो गया सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी क्या क्या होता है हमारा हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क ड्राइव सीडी उसके बाद हमारा पेन ड्राइव बहुत सारी चीजें हमारी सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स हैं ठीक है। तो टेम्पररी डेटा को हमने क्या कर दिया परमानेंटली स्टोर कर दिया किस में सेकेंडरी मेमोरी में ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया हमारा सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट इन नेचर है ठीक है। इसमें अब क्या है हमारा कि स्टोर द डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड इन्फॉर्मेशन परमानेंटली विच आर वेयर टेम्पररली स्टोर्ड इन रैम, जो कि टेम्पररली हमारा किसमें स्टोर था रैम में अब वो क्या हो गया सेकेंडरी मेमोरी में आ गया मीन्स कि हमारा वो डेटा क्या हो गया सेव हो गया। इट होल्ड्स द इन्फॉर्मेशन टिल वी इरेज इट, जब तक इसे हम इरेज नहीं करेंगे तब तक इसमें रहेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर, जैसे कि डिफरेंट टाइप के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन से हैं, हार्ड डिस्क है कॉम्पैक्ट डिस्क है डीवीडी है पेन ड्राइव है फ्लैश ड्राइव है एंड एटीसी, बहुत सारे हमारे पास सेकेंडरी मेमोरीज हैं। ये क्या करते हैं हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है, जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक हमारा डेटा वो डिलीट नहीं होगा। जैसे आप मोबाइल में आप परमानेंट किसी नाम नेम को या किसी मोबाइल नंबर को सेव कर लेते हो तो जब तक आप रखना चाहते हो उसे रखते हो ना, आप चाहोगे तो उसे जब इरेज करोगे तो इरेज हो जाएगा, तो उससे यहाँ सेम थिंग यहाँ भी है। नाउ वी विल सी अबाउट हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है हमारा, हार्ड डिस्क ड्राइव इज मेडअप ऑफ ए सीरीज ऑफ सर्कुलर डिस्क, ठीक है, ये क्या होता है हमारा मेडअप ऑफ ए सीरीज ऑफ सर्कुलर डिस्क की तरह होता है ये, कॉल्ड प्लेटर्स एंड अरेंज्ड वन ओवर द अदर ऑलमोस्ट हाफ इंचेस अपार्ट अराउंड अ स्पैंडल्स, ठीक है। ये डिस्क आर मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लाइक, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है लाइक एल्युमिनियम एलॉय एंड कोटेड विद द 1020
एनम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स के बने हुए हैं हार्ड डिस्क, देखिए थ्री डी टाइप से दिख रहा है, इसी में जो गोल सा दिख रहा है ना थ्री डी टाइप से, वो उसी में जाके हमारा क्या सेक्टर्स बने रहते हैं इंटरनली, ठीक है, उसी सेक्टर्स में जाके हमारा क्या होता है हमारा डेटा जाके स्टोर होता है। तो ये हमारे हार्ड डिस्क का हमारा ये डायग्राम है, इसे ध्यान से देखिएगा कैसे हमारा डेटा इसी में जाके स्टोर होता है। ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है, इसी में हम लोग इसमें सेक्टर्स, सो मेनी सेक्टर्स बने रहते हैं, उसी में जाके हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। जब भी चाहेंगे हम यहाँ से डेटा को निकाल के डेटा को वहाँ पे हम लोग डेस्कटॉप पे अपने मॉनिटर पे शो कर देख सकते हैं जब भी चाहेंगे। नाउ वी विल सी अबाउट द सीडी ड्राइव। सीडी ड्राइव क्या होता है हमारा? सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडीज आर सर्कुलर डिस्क दैट यूज ऑप्टिकल रेज यूजुअली लेजर्स टू रीड एंड राइट डेटा। सीडी हमारा क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क है। कॉम्पैक्ट डिस्क मीन्स किसमें डेटा जो हमारा है स्टोर कैसे होता है कॉम्पैक्टली, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्पैक्ट वे में, मीन्स की एकदम बहुत कॉम्पैक्टली हमारा उसमें पैक्ड रहता है डेटा, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। डिस्क मीन्स जो गोल गोल होता है ना, इसलिए इसको डिस्क बोलते हैं। डिस्क जब भी किसी वर्ड में आएगा डिस्क वर्ड मतलब समझ आई, जो डेटा पर स्टोर हो रहा है कैसे स्टोर हो रहा है डिस्क में, डिस्क के फॉर्म में, मीन्स की गोल गोल है ना। तो सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडीज आर सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, गोल सा, एंड दैट यूज ऑप्टिकल रेज, जो कि क्या यूज करता है ऑप्टिकल रेज यूज करता है डेटा को स्टोर करने में, यूजुअली लेजर्स टू रीड एंड राइट डेटा, जनरली किस चीज को यूज करता है कौन सा रे को, तो लेजर को टू रीड एंड राइट डेटा, डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए, मीन्स डेटा को वहां से पढ़ भी सकते हैं कुछ चाहे तो, जैसे कि सीडी आते थे ना पहले वाले हमारे रीड राइटेबल, कि एक बार हमने डेटा को कोई लिखा कोई सेव किया उसे इरेज कर दिया दोबारा उसमें कोई दूसरा डेटा हमने डाल दिया, तो वही रीड एंड राइट कर सकते हैं। तो दे आर वेरी चीप एज यू कैन गेट 700 MB ऑफ स्टोरेज, तो बहुत ही सस्ता आता था हमारा, अभी तो आजकल यूज नहीं करते बट यू वी शुड नॉलेज, अभी तो नहीं उतना यूज करते बट हमें नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअली सीडी वर्क कैसे करती है। 700 MB ऑफ स्टोरेज स्पेस होती है इसकी, कितनी होती है 700 MB ऑफ स्टोरेज स्पेस ऑफ लेस देन $1। सीडीज आर इंसर्टेड इन सीडी ड्राइव्स बिल्ट इन टू सीपीयू कैबिनेट। सीपीयू कैबिनेट में सीडी ड्राइव एक अलग से लगा रहता था, अगर पुराने कैबिनेट आप देखोगे और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में चाहे सीडी ड्राइव भी आते थे उसमें हम सीडी लगा के क्या करते थे वहां से सीडी को चलाते थे, तो हमारा जो भी डेटा था हमें वो मॉनिटर पे शो हो जाता है था। चाहे तो अभी भी बहुत सारे आजकल तो नहीं आ रहे उतने सीडी ड्राइव्स, बट पहले वाले सिस्टम्स में कंप्यूटर में आते थे, तो हमारा हम बस हमें नॉलेज होनी चाहिए कि सीडी का एक्चुअली यूज कैसे होता है। दे आर पोर्टेबल एज यू कैन इजेक्ट द ड्राइव रिमूव एंड सीडी एंड कैरी इट विथ यू। तो सीडी को हम लोग लेके कहीं ले जा सकते भी है, ले आ भी सकते थे, एंड इसमें हम लोग पोर्टेबल था, पोर्टेबल मीन्स की कहीं भी ले जाइए ले आइए, आप कहीं भी इसे रख सकते हो, इतनी बड़ी नहीं होती थी सीडी की आप लेके चल नहीं सकते हो, बैग में लेके आप चल सकते हो, तो पोर्टेबल मीन्स की हम उसे कहीं भी ले आ सकते थे। एंड इजेक्ट द ड्राइव, जैसे कि ड्राइव सीडी ड्राइव से हमने लगाया सीडी को लगाया उसे इजेक्ट भी कर लिए मतलब निकाल लिए, ठीक है, रिमूव कर लिए, एंड सीडी कैरी इट विथ यू, और कैरी को हम लोग सीडी को कैरी भी कर सकते थे अपने साथ कहीं भी, ठीक है। तो ये हमारे बहुत ही फैसिलिटी प्रोवाइड करता था, बट उतनी आजकल यूज नहीं हो रही है, बट सीडी की नॉलेज हमें होनी चाहिए। नाउ वी विल सी अबाउट द डीवीडी ड्राइव्स, ठीक है। डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्प्ले। डीवीडी के फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल वीडियो डिस्प्ले। डीवीडी आर ऑप्टिकल डिवाइसेस, तो ये भी हमारा ऑप्टिकल डिवाइसेस था, दैट कैन स्टोर 15 times, ठीक है, द डेटा हेल्ड बाय सीडीज। ये सीडी से काफी ज्यादा इसकी कैपेसिटी होती थी, 15 times द डेटा हेल्ड बाय सीडीज, एंड दे आर यूजुअली यूज टू स्टोर रिच मल्टीमीडिया फाइल्स। जनरली ये क्या करते थे, मल्टीमीडिया फाइल्स को स्टोर करने में इसकी बहुत ज्यादा मतलब ये कैपेबल था। दे आर यूजुअली यूज टू स्टोर रिच मल्टीमीडिया फाइल्स दैट नीडेड हाई स्टोरेज कैपेसिटी, जो कि मीडिया फाइल्स क्या करती है हमारी हाई स्टोरेज कैपेसिटी यूज करती थी इसको। तो डीवीडी ऑल्सो कम इन 3 vertices, रीड ओनली, रिकॉर्डेबल एंड रीराइटेबल। तो डीवीडीज भी हमारे बहुत सारे इसके फॉर्मेट्स आते थे, क्या रीड ओनली, एक डीवीडी होता था जिसे ओनली रीड कर सकते थे, दूसरा था कि रिकॉर्डेबल था, एंड दूसरी थर्ड क्या था हमारा रीराइटेबल भी था डीवीडीज। तो बहुत तरह के डीवीडीज के भी टाइप्स आते थे, तो बट वी शुड नॉलेज अबाउट दैट, हम लोगों को सबके बारे में सब डीवीडीज की नॉलेज हमें होनी चाहिए, बिकॉज वी बिलोंग फ्रॉम कंप्यूटर सेक्टर। नाउ वी विल सी अबाउट द पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का क्या काम है? ये भी हमारा सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जाम्पल है, ये भी एक मेमोरी का ही पार्ट है, सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट। तो
पेन ड्राइव इज ए पोर्टेबल मेमोरी, पोर्टेबल मेमोरी है पेन ड्राइव, जनरली हम लोग यूज करते हैं, कहीं भी आप अपने जेब में रख के, बैग में, जेब में, पर्स में ले जा सकते हो, ठीक है। डिवाइसेज दैट यूज इज ए सॉलिड स्टेट मेमोरी रादर देन मैग्नेटिक फील्ड्स और लेजर्स टू रिकॉर्ड डेटा, ठीक, ये भी क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड यूज करता है एंड लेजर टू रिकॉर्ड डेटा को, कि पेन ड्राइव इज पोर्टेबल, ये भी पोर्टेबल है, पोर्टेबल मेमोरी डिवाइस है दैट यूज सॉलिड स्टेट, जो कि सॉलिड स्टेट में यूज करते हैं मेमोरी रेदर देन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और लेजर टू रिकॉर्ड डेटा, इसका दो चीज, इसका मैग्नेटिक फील्ड का और लेजर टू रिकॉर्ड डेटा को के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इट यूजेज अ टेक्नोलॉजी सिमिलर टू रैम, ये भी क्या करता है, टेक्नोलॉजी रैम की तरह ही है, एक्सेप्ट दैट इट इज नॉन वोलेटाइल, लेकिन ये नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, इसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, दोबारा डेटा डाल सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, जब आप लगाओगे सिस्टम में तो ये वर्क करेगा, सिस्टम से हटा दोगे इसका कोई काम नहीं है, इसलिए भी हम लोग इसे क्या बोलते हैं, बट हमारा क्या है ये कि एक्सेप्ट दैट इट इज नॉन वोलेटाइल, ठीक है, नॉन वोलेटाइल है ये। इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूएसबी ड्राइव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव को यूएसबी ड्राइव भी बोलते हैं, की ड्राइव और फ्लैश मेमोरी भी बोल सकते हैं इसे हम। नाउ ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क क्या होता है, ब्लू रे डिस्क मीन्स बीडी इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया यूज टू स्टोर हाई डेफिनेशन एसडी वीडियो एंड अदर मल्टीमीडिया फील्ड। तो जब हाई लेवल की हमें जब एसडी वीडियोज चाहिए थी तो मल्टीमीडिया फाइल्स, तो इसके लिए हम लोग ब्लू रे डिस्क यूज करते थे। एंड बीडी यूजेज शॉर्टर वेवलेंथ लेजर एज कम्पेयर टू सीडी डीवीडी, ठीक है, तो ये क्या करता है हमारा, यूजेज शॉर्टर वेवलेंथ को यूज करता है लेजर एंड कम्पेयर टू डीवीडी एंड सीबीडी के कम्पेरिजन में, ठीक है। एंड दिस एनेबल राइटिंग एम टू फोकस मोर टाइटली ऑन द डिस्क एंड हेंस पैक इन मोर डेटा, वीडियोज कैन स्टोर अप टू 128 जीबी डेटा। मीन्स इसमें हम लोग बहुत ही ज्यादा इसकी जो कैपेसिटी थी डेटा स्टोरेज की, वो सबसे पहले ज्यादा हमारे सीडी से, डीवीडी से, ये सबसे भी ज्यादा इसकी कैपेसिटी है, डेटा स्टोरिंग कैपेसिटी इसकी 128 जीबी तक ये डेटा स्टोर हमारा कर सकता है, ठीक है। और ये हमारे लिए उसके कंपेरिजन में मल्टीमीडिया फाइल्स के लिए भी बहुत ही बेस्ट है ये, तो ये भी हमारा एक सेकेंडरी मेमोरी का ही पार्ट है, तो इसके भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। नाउ प्राइमरी वर्सेज सेकेंडरी मेमोरी, नाउ हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी वर्सेज सेकेंडरी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है, मेन ये हम लोग देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। नेचर, हमारा प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, दिस प्राइमरी मेमोरी इज कैटेगराइज एज वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरीज। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है वो हमारा दो पार्ट में कैटेगराइज है, वोलेटाइल मेमोरी में एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरीज में। बट सेकेंडरी मेमोरी हमारा क्या है, दिस मेमोरीज इज ऑलवेज एज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये हमेशा क्या होता है हमारा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, मीन्स कि ये हमारा डेटा को क्या करता है, परमानेंटली स्टोर करता है, ठीक है। बट हमारा प्राइमरी मेमोरी क्या करता है, परमानेंटली डेटा को स्टोर नहीं कर सकता, ये बस टेम्पररली जब तक काम है हमें इसका, हमें ये वर्क प्रोवाइड कर देगा, फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज हम इसे परमानेंटली इसमें डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। नाउ एलास इसमें क्या है, प्राइमरी मेमोरी में दीज मेमोरीज आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी, हम लोग प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हैं, मीन्स जो कंप्यूटर का खुद का जो मेमोरी होता है इंटरनल मेमोरी कहलाता है, ठीक है। एंड सेकेंडरी मेमोरी क्या हमारा है, सेकेंडरी मेमोरी इज नोन एज ए बैकअप मेमोरी और एडिशनल मेमोरी और एक्सिलरी मेमोरी, हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को बैकअप मेमोरी, ठीक है, बैकअप मेमोरी भी कहते हैं, नोन एज बैकअप मेमोरी और एडिशनल मेमोरी। इसे बैकअप क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम चाहे तो यहां से बैकअप लेके कहीं और जाके हम डेटा को क्या कर सकते हैं, किसी और सिस्टम में भी जाके ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो बैकअप हमने जैसे कि किसी फाइल का आप क्या करते हो, बैकअप बनाते हो ना, जैसे जेरॉक्स, ठीक है, किसी भी चीज का, कोई डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स कराते हो, उसे आप कहीं और भी यूज कर लेते हो, उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मानते हैं हमारा सिस्टम खराब हो गया तो क्या करेंगे, उसका हम किसी चीज में प्रॉब्लम आ गया तो उसका बैकअप लेके हम जाकर हार्ड डिस्क खोल के लगा देंगे किसी और सिस्टम में तो हमारा वर्क करेगा। चाहे हमारा क्या हो गया, एक्सिलरी मेमोरी भी कहलाता है हमारा ये, और हमारा क्या कहलाता है ये कि एडिशनल मेमोरी भी, जैसे सेकेंडरी मेमोरी में, जैसे पेन ड्राइव क्या हुआ, अपने सिस्टम में आप यूज किए, किसी और के भी सिस्टम में आप यूज कर सकते हो, सीडी हमने क्या किया यहाँ पे यूज किया, ठीक है, अपने सिस्टम में, किसी और के भी सिस्टम में, कहीं भी और यूज कर सकते हैं हम लोग, तो वो बैकअप मेमोरी हुआ ना, कि कहीं का डेटा को कहीं जाके खोल ले रहे, कहीं भी ओपन कर ले रहे, कहीं से डाटा ला रहे, किसी कंप्यूटर में खोल ले रहे, तो इसलिए तो ये बैकअप मेमोरी भी कहलाया हमारा, ठीक है। तो इसलिए भी सेकेंडरी मेमोरी हमारा क्या है, परमानेंटली मेमोरी है, और बैकअप मेमोरी भी है, एडिशनल मेमोरी भी है, ये वर्ड तो हमें, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा अब तक,
क्योंकि एक जगह से डेटा को हम ले कॉपी करते हैं, जाके कहीं भी ओपन किसी भी सिस्टम में कर लेते हैं और हमारा वर्क अच्छे से हो जाता है। नाउ वी विल सी अबाउट द एक्सेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी में कि डेटा इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ हम क्या करते हैं प्राइमरी मेमोरी में कि डायरेक्टली डेटा को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। कहाँ से? तो प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट से। बट हमारा सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, डेटा कैन नॉट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर। यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट प्रोसेसर के थ्रू हम डायरेक्ट डेटा को स्टोर क्या कर सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते हैं। प्रोसेसर मीन्स सीपीयू भी कह सकते हैं। ठीक है, इट इज फर्स्ट कंपाइल्ड फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी। पहले क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में हमारा क्या होगा, डेटा को कंपाइलेशन कैसे होता है, इट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर। इट इज फर्स्ट कंपाइल्ड फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी ओनली देन सीपीयू कैन एक्सेस इट। मीन्स क्या करते हैं, कोई भी डेटा को जब आप ओपन करते हो कंप्यूटर में तो सेकेंडरी मेमोरी में डायरेक्ट जाते हो, वहां से क्या करते हो डेटा को लाते हो प्राइमरी मेमोरी में। मीन्स क्या करते हो, वहां से आप हार्ड डिस्क में गए, वहां से कोई फाइल को आप सर्च किए, ठीक है, सर्च किए तो कहाँ पे आया, आपको मॉनिटर पे आया, आए ना, तब जाके वहां से आपको जो काम करना है कीजिए। तो वही हो गया कि डाटा कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली, हम जाएंगे डायरेक्टली वहां से डेटा ले हार्ड डिस्क से या किसी चीज से तो नहीं ले सकते, उसके लिए हमें प्राइमरी मेमोरी में आना ही पड़ता है कंपाइल। तो वही चीज है यहाँ पे, डेटा कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर, इट इज फर्स्ट कंपाइल्ड फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से वो कहाँ आता है, प्राइमरी मेमोरी में, तभी उसे हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं टू प्राइमरी मेमोरी, ओनली देन सीपीयू कैन एक्सेस इट। तब क्या कर सकता है, सीपीयू से एक्सेस कर सकता है। नाउ अब यहाँ पे देखेंगे कि फॉर्मेशन, तो प्राइमरी मेमोरी का हमारा फॉर्मेशन कैसा है, इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, मीनिंग डेटा कैन नॉट बी रिटेन्ड इन ए केस ऑफ पावर फेल्योर। हमारा क्या हो सकता है, अगर हमारा जैसे इसमें प्राइमरी वोलेटाइल मेमोरी है, पहले तो हमारा प्राइमरी मेमोरी क्या है, हमारा वोलेटाइल मेमोरी है, इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हमारा पावर सप्लाई चला गया तो हम लोग दोबारा वापस डेटा को ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, बिकॉज हमने प्राइमरी मेमोरी में वर्क किया है। डायरेक्ट मीन्स प्राइमरी मेमोरी मीन्स मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी में ऐसा नहीं है, इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी टू सो दैट डेटा कैन बी रिटेन्ड इवन आफ्टर पावर फेल्योर। अगर पावर फेल्योर हो भी जाता है तभी हमारा डेटा हमारे हमें जब आएगा लाइट चाहे हम उसे डेटा को दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। तो ये फायदा है हमारा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में ये डिफरेंसेस था जो मैंने क्लियर किया। ठीक है, नाउ वी विल सी अबाउट द मेमोरी यूनिट्स। अब क्या क्या हमारे मेमोरी यूनिट्स है उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। डेटा इन द कंप्यूटर मेमोरीज इज रिप्रेजेंटेड बाय द टू डिजिट्स 0 and 1। तो हम लोग समझिए कि यहाँ कोशिश करेंगे डेटा इन द कंप्यूटर मेमोरीज। डेटा मीन्स क्या, इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया, वीडियो हो गया, कुछ भी, नंबर हो गया, ये सब जितने भी चीज है ये क्या है, डेटा है। तो डेटा इन द कंप्यूटर मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड बाय द टू डिजिट्स। तो कोई भी जो डेटा हम लोग लिखते हैं वो 0 या 1 के फॉर्म में इंटरनली मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर हम जो भी लिखते हैं ना कंप्यूटर, तो वो नहीं समझता, वो ओनली 0 और 1 को समझता है। तो रिप्रेजेंटेड बाय द टू डिजिट्स 0 and 1। तो डेटा को कंप्यूटर मेमोरी को कैसे हम लोग समझाते हैं, तो डेटा इन द कंप्यूटर मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड बाय द टू डिजिट्स, दैट इज 0 and 1। दिस टू डिजिट्स आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स। जो डिजिट्स हमें दिखाई दे रहे हैं 0 और 1, वो दोनों डिजिट्स क्या कहलाते हैं, उन्हें हम बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं और बिट्स भी बोल सकते हैं। ए बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। जो हमारा जो बिट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कंप्यूटर मेमोरी का। बिट्स मीन्स 0 either 1। ठीक है, यहाँ पे आप देखने समझने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले इसमें आपको दिख रहा होगा 1 byte = 8 bits। ठीक है, 8 bit मीन्स क्या है, जैसे आप काउंट कीजिए कितना नंबर ऑफ वंस कितना है, 1 2 3 4 5, एंड नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1 2 3। तो 5 और 3 कितना हुआ, 5 6 7 8, 8 हुआ ना। टोटल यहाँ पर कितने डिजिट्स है, 8 digits है। तो 8 डिजिट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, 8 bit बोलेंगे। 8 bits = 1 byte कितना हुआ, 8 bits = 1 byte। एंड नेक्स्ट है हमारा 1024 bytes = 1 kilobytes। ठीक है, 1024 bytes = 1 kilobytes एंड 1024 kilobytes = 1 megabyte एंड 1024 मेगा
bytes equal to 1 gigabytes and 1024 gigabytes equal to 1 TB, terabytes. ठीक है, TB means terabytes. तो ऐसे हम लोग मेमोरी यूनिट्स को हम लोग ऐसे लर्न करते हैं, समझते हैं. नाउ डिफरेंसेस कुछ है, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या डिफरेंसेस है. आप कहीं भी से सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा. नाउ मैं स्टॉप करती हूँ. थैंक्स. अगर आप लोगों को समझ आया होगा, अगर आप लोगों को समझ आई होगी मेरी जो भी मैंने पढ़ाया, आप लोगों को समझ आया होगा तो आप उसे उसे आप समझने, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट दीजिएगा और मैं उसे सॉल्यूशन करने की जरूर कोशिश करूंगी. ओके, नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोगों ने ये मेमोरी यूनिट, मैंने मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में मैंने समझाया.